तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाय और कॉफ़ी के बारे में। व्हाट वुड यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी? हमारे समाज में हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि जब भी कोई मेहमान आता है उसे हम चाय या कॉफ़ी देते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं चाय और कॉफ़ी पीने के। सबसे पहले कॉफ़ी होती क्या है? कॉफ़ी इज़ अ ब्रूड ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, द सीड्स ऑफ बेरीज फ्रॉम सर्टेन कॉफ़ी स्पीशीज। कॉफ़ी बेरीज के सीड्स को पकाकर उनसे तैयार की जाती है और इसकी अलग अलग बहुत सारी स्पीशीज भी होती हैं। अब बात आती है चाय की, तो चाय क्या होती है? टी इज़ एन एरोमेटिक बेवरेज कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग हॉट और बॉइलिंग वाटर ओवर क्योर्ड और फ्रेश लीव्स ऑफ द कैमिला सेनेसिस एंड एवरग्रीन श्रब। चाय भी एक बेवरेज की तरह ही मानी जाती है जैसे कि कॉफ़ी, और ये गर्म और उबलते पानी में इसकी पत्तियां डालकर तैयार की जाती है। अब जान लेते हैं कि चाय और कॉफ़ी के क्या हैं फ़ायदे। एज़ वी नो, टी एंड कॉफ़ी मेंटेन मेंटल अलर्टनेस, मतलब कि चाय और कॉफ़ी हमारे दिमाग को तरोताज़ा रखती हैं। टी एंड कॉफ़ी ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लो ब्लड प्रेशर, मतलब कि चाय और कॉफ़ी हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखती हैं। दे ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब कि अगर नियमित रूप से इनका सेवन किया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने से रोकती हैं। बहुत बार यह देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में कॉफ़ी डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करती है, यानी डायबिटीज़ की शिकायत को कम करती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉफ़ी प्रिवेंट डायबिटीज़। अब बात करते हैं चाय और कॉफ़ी से होने वाले नुकसान के बारे में। हाई अमाउंट्स कैन कोज हाई ब्लड प्रेशर, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तब हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज़ दे कैन वर्सन डायरिया, इसका मतलब है कि चाय और कॉफ़ी जब डायरिया में पी जाए तो उसकी कंडीशन को वह और भी ख़राब कर सकती हैं। थिनिंग ऑफ बोन्स, अगर ज़्यादा मात्रा में हम कैफीन का सेवन करते हैं तब कैल्शियम हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, ऐसे ही चाय और कॉफ़ी के भी, लेकिन अगर हम इसका नियमित रूप से सेवन करें तब यह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसीलिए हमें अपने शरीर के मुताबिक ही इसकी डोज लेनी चाहिए और तभी हमारे लिए अच्छा होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं।